चावल आटा में शुरू चाहिए है ना, शाम को चाहिए वो। शाम को बन जाएंगे कल को, शाम को बन जाएंगे 2 बजे। कटोरी और चाहिए? कटोरी चाहिए। सुबह उठ करके सारा काम करा और ब्रेकफास्ट बना के इनको ऑफिस भेजा। उसके बाद फिर सारा पूजा की तैयारी करी। थोड़ा लेट हो गया आज, और पूजा में जो भी प्रसाद बनता है वो सारा कुछ बनाया, मोदक और ये सुंदर बनाया। तो इस तरह से हमने सुबह का अपना सब पूजा वूजा की तैयारी करके पूजा कर ली, और फिर अभी हमने उसके बाद भगवान का भोजन बनाया, दोपहर का भोजन वो भी लगा दिया उनको भोग लगा करके। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया है, तो हम लोगों का खाना खा लिया। अब मैं अभी गणेश जी को थोड़ी देर के लिए सुला दूंगी, फिर शाम को उठा करके इनको इनकी शाम को फिर आरती करेंगे। तो आरती के समय भी कुछ भोग लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग इनको 3 दिन 5 दिन या जितने दिन भी ऐसे रखते हैं तो उनकी पूजा करेंगे।
और मैं ये जो गणेश जी हैं ये तो मेरे हैं मेटल के, जिनको मैं हमेशा रखूंगी। मैं इस बार इनको लेकर के आई हूँ कि इनको रखूँ, क्योंकि पानी वाले जो वो मिट्टी वाले जो होते हैं उनको ले जा करके और फिर विसर्जन करना है, ये सब करना है तो यहाँ प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे मदर इला जो है वो हल्दी को लेकर के बस हल्दी से ही बना करके पूजा करती थी। तो फिर मैंने भी ये मैं बड़े से गणपति इस बार लेकर के आई हूँ, बहुत सुंदर लगे मुझे। और ये जो मैं, क्योंकि मैंने इतने सारे को रखे हैं, क्योंकि मैं पहले से जिनको रखती थी उन सबको भी रख देती हूँ, उन सबको भी लगा करके रखते हैं। तो ये इधर पर एक छोटे से हैं हल्दी के मैंने बना रखे हैं ये, और ये जो है यही हल्दी से मैं हर बार हर गणेश चतुर्थी को ये बनाती हूँ और फिर इसी से पूजा करती हूँ। और फिर इनको जो है कि जब विसर्जन करना होता है तो इनको एक टब में पानी भर लेते हैं और उस पानी में इनको डाल करके रख देते हैं। ये हल्दी के जो बने हुए गणेश जी हैं उनको, हल्दी के गणेश जी को मैं रख देती हूँ और उसके बाद फिर उसको पानी को कहीं पे कॉर्नर में पेड़ के पास या कहीं पर उसको डाल देते हैं। तो इस तरह से ये मेरे विसर्जन हो जाते हैं और बाकी फिर मैं इनको अपना पूजा में रख लेती हूँ। तो ये मैं इस बार लेकर के आई हूँ हमारे घर विघ्नहर्ता, तो सबके विघ्न हरे। और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, आप सब लोगों का भी सब अच्छे से हो, साल अच्छे से जाए। गणेश जी आए हैं, अच्छी खुशखबरी लेकर के आए, सब अच्छा हो सबके साथ, सबके जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो, और जो हमारे बीच में जो इतनी बड़ी सी परेशानी आ गई है वो भी दूर हो, और हम सब लोग खुशी से अपने सारे त्यौहार सेलिब्रेट करें, अच्छे से रहें, अच्छे से सारे त्यौहार मनाएं, बस यही चाहिए। तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद शाम को, अभी भगवान को सुला देती हूँ और हम भी रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम को उठ करके भगवान का थोड़ा सा और प्रसाद बनाएंगे। प्रसाद में बहुत जल्दी की वजह से मैं वो राइस के मोदक जो होते हैं, कोड़े कट्टे बोलते हैं उसको तमिल में, तो वो मैं नहीं बना पाई, तो वो मैं शाम को बनाऊँगी और फिर उनका शाम का भोग लगाऊँगी और उनका फिर आरती वरती करेंगे। तो इस तरह से ये आज का मेरा वीडियो था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।